आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें कि बुरहानपुर खंडवा लोकसभा क्षेत्र के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने भरोसा जताकर उन्हें लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रत्याशी घोषित किया है। दोबारा खंडवा लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी बनाकर उनके नाम की घोषणा होते ही पूरे जिले में खुशी की लहर है। वहीं ज्ञानेश्वर पाटिल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पार्टी हाईकमान का मैं आभारी हूं, इस बार फिर बीजेपी की झोली में खंडवा लोकसभा से जीत दर्ज कराएंगे। बुरहानपुर से गोपाल देवकर की रिपोर्ट। हमारे माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश के स्थानीय मिनिस्टर माजी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो विश्वास उस पर उन्होंने किया है और उस विश्वास पर खरा उतर कर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का संपूर्ण जो सपना है कि गरीबों की कल्याण की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाना और क्षेत्र का विकास, ये हमारी प्राथमिकता रही है और आगे भी ये प्राथमिकता रहेगी। और 2.5 साल के मेरे कार्यकाल में मैंने ईमानदारी से जन जन तक पहुँच कर सरकार की योजनाओं को लेकर और क्षेत्र के विकास को लेकर काम करने का पूरा प्रयास किया। उसी आधार पर पूरा नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है युवाओं को रोजगार, हमारे किसानों को समृद्ध बनाना, हमारी मातृशक्ति को तीन करोड़ बहनों को दंपति बनाना और वो तीन करोड़ बहनों को दंपति बनाने के उद्देश्य से हम लोग बहनों के बीच में आकर काम करेंगे।